सरकार के अनुसार कितने प्रतिशत जन धन खाते महिलाओं के स्वामित्व में है? सही जवाब है 56%। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। सही जवाब है राहुल द्रविड़। मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान का मुख्य फोकस विषय क्या है? सही जवाब है नशीली दवाओं के दुरुपयोग की चुनौतियों का समाधान करना। डीआर जॉन वॉनॉक का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सही जवाब है एडोब के सहसंस्थापक। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में दिगियारा सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? सही जवाब है गुवाहाटी हवाई अड्डा। मैसूरू पैलेस अपने पर्यावरणीय प्रयासों के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार है? सही जवाब है प्लास्टिक मुक्त बनना। किस राज्य सरकार ने आपदाग्रस्त शहरों और कस्बों का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए एक परियोजना शुरू की है? सही जवाब है उत्तराखंड। किस समूह देश के शिक्षा मंत्रियों के समूह ने सामूहिक रूप से एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है? सही जवाब है ब्रिक्स देश। कालका शिमला रेलवे KSR जिसे व्यापक क्षति हुई है कहां स्थित है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। पूर्वी एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? सही जवाब है तमिलनाडु। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? सही जवाब है थर्मन शनमुगरत्नम। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? सही जवाब है 2 ND। हाल ही में कौन सा राज्य छोटे उद्यमियों को 5 लाख की सुरक्षा गारंटी देने वाला पहला राज्य बन गया है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पहले लैंड पोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस जिले में किया? सही जवाब है बहराइच। विश्वनाथन आनंद के बाद फाइड विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सही जवाब है आर प्रज्ञानंद।